हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल भगवती क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम शिव जी की ये पोशाक बनाएंगे, तो चलिए पोशाक को बनाना शुरू करते हैं। शिव जी के ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये शनि का पीस लिया है। इस पीस की जो लंबाई रखी है वो मैंने 11 इंच रखी है और जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 5 इंच रखी है। सेम मेजरमेंट का मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का अस्तर का पीस लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी सेम है, 5x11 का ये पीस है। अब इस पीस के ऊपर हम ये शनि का कपड़ा रख लेंगे अपना और इन तीनों किनारों पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे इस ड्रेस में नीचे की तरफ हम इस तरीके से निशान लगाएंगे zigzag में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर में, ये लगभग 2 इंच है, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए, कटिंग करने के बाद इसमें ये इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा। अब हम यहाँ पे ये जो कोने आ रहे हैं इन पे ये लेस लगाएंगे। इन सब तिकोनों पे हम यहाँ पे ये लेस लगाकर इसको तैयार करेंगे। नीचे की तरफ ये लेस लगाने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो दोनों कोने हैं इन पे ये जो टिश्यू रिबन है ये लगाएंगे, हाफ करके हम ये दोनों कोने सिक्योर कर लेंगे। साइड से मैंने ये टिश्यू रिबन लगाकर लॉक कर लिया है। अब हम इसमें कमर बनाएंगे। कमर बनाने के लिए हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स आप अपने हिसाब से ज़्यादा पतली या मोटी किसी भी तरीके से डाल सकती हैं, पर याद रखें जितनी आपको कमर बनानी है उतने ही डालें आप। मुझे यहाँ पे 3.5 इंच कमर चाहिए तो मैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ। हल्की सी गोलाई लेंगे, जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हल्की सी गोलाई ले लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट्स भर लेंगे और यहाँ पे ये नेफा बना लेंगे। इस तरीके से हमने शिव जी की पोशाक बना ली है। अब हम इसमें पटका बनाएंगे। पटका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फ्यूज पेपर की पट्टी ली है। इस पट्टी की जो लंबाई रखी है वो 10.5 इंच रखी है और जो इस पट्टी की मैंने चौड़ाई रखी है वो 2 इंच रखी है। अब इस पट्टी को हम हाफ कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और दोनों तरफ से आधा आधा इंच का निशान लगा देंगे। ये मैंने लगभग आधा आधा इंच आ जाएगा। अब हम ये जो निशान लगाया है हमने यहां से इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे टेढ़ी करके और यहां पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ। अब इस फ्यूज पेपर पे हम अपना ये सेम फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे। फ्यूज पेपर पे मैंने ये शनील का कपड़ा लगा लिया है। अब हम इन दोनों तरफ ये लेस लगाएंगे जो कि हमने पहले भी यूज करी है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और लेस ऐड करी है जो कि थोड़ी सी चौड़ी है। इससे अच्छी सी ग्रेस आ जाएगी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। दोनों तरफ हम इसी तरीके से ये लेसेस लगा लेंगे। पटकी में मैंने दोनों तरफ ये लेसेस लगा ली हैं। अब इन दोनों किनारों पे हम ये टिश्यू रिबन लगाएंगे। इस टिश्यू रिबन को हम पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, फिर ये जो पीस है इसको लेकर इसके एक तरफ ये आधा हिस्सा जाएगा और आधा हिस्सा इसके आगे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों किनारे हम लॉक कर लेंगे। ये पटका बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये ड्रेस का पटका आ जाएगा और यहाँ पे ये नीचे का लहंगा आ जाएगा शिव जी का। आपको ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।